हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था अबाउट द इम्पॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आप फोकस कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपके काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें आज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, बिकॉज ऐसे ही लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन अबाउट कॉस्ट अकाउंट। सो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला जो शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है, दैट इज ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक इंट्रोडक्शन पढ़ के रखे, प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, वो सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये शॉर्ट नोट इजीली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप पढ़ना ना भूले। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल से, दैट इज कॉल्ड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, वो सारे अकाउंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक कंसेप्ट होता है रिटेंशन मनी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, उसके साथ एक आता है रिटेंशन मनी। तो रिटेंशन मनी को भी पढ़ के रखे, बिकॉज प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये शॉर्ट नोट बार बार देखा गया है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ मनी। नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट नोट है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच इज कॉल्ड एज MOS। फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग MOS है, MOS का मतलब पढ़ के रखे, MOS का फॉर्मूला पढ़ के रखे, बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से कोई भी शॉर्ट नोट आए तो वो सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको क्या करना है, उसको थेरोटिकल वे पे प्रेजेंट करना है, देन यू कैन राइट द फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बिकॉज शॉर्ट नोट्स पूछा गया है तो आपको उसका रिलीवेंस लिखना है कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअली होता क्या है, उसका रिलीवेंस क्या है, और देन यू कैन राइट द फॉर्मूला, सो दैट आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे पाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड एज PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका सिंपल फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और अगर आपको दो साल दिए रहेंगे तो फॉर्मूला बनता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कॉस्टिंग में काफी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उतने सारे वीडियोज करोगे तो सारे वैरायटीज आपके क्लियर हो पाएंगे। तो लेट अस कम बैक, 6th नंबर का शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, विच इज कॉल्ड एज PVR। नेक्स्ट अगेन द शॉर्ट नोट इज फ्रॉम चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, विच इज कॉल्ड एज BEP। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एंड लास्ट में आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर बनता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उसके एडवांटेजेस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप किस तरीके से वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हो मटेरियल के और लेबर के, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आपको एक एक साल के बाद ये क्वेश्चंस रिपीट होते हुए देखते हैं। एक साल टारगेट कॉस्टिंग आता है, तो एक साल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आता है, तो एक साल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आता है। तो ये तीनों अच्छी तरीके से करके रखें, जैसे कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आपको ये बार बार शॉर्ट नोट्स देखने मिला है, तो इसको बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखें, ताकि ये अगर आपने पढ़ लिया और इस साल समझो ये तीन में से कोई एक आ गया तो दैट विल बी एडवांटेज फॉर यू, और वो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा तो आपको उससे रिलेटेड मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएंगे, और इसका बेनिफिट आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखें। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, उसमें से दो कंसेप्ट है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, लेकिन हम मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दिया है, तो गेन को भी एक बार जस्ट गो थ्रू करके रखें। बट व्हाट इज एग्जैक्टली नॉर्मल लॉस एंड व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल लॉस, वो आप इसमें याद रख सकते हैं, इसको आप एक एग्जांपल वे से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो द शॉर्ट नोट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एंड दैट इज वर्क अनसर्टिफाइड। तो दो चीजें होती है, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड को भी ध्यान से पढ़ के रखे, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर है उसमें वर्क अनसर्टिफाइड बार बार पूछा है, तो वर्क अनसर्टिफाइड अगर आपको आता है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है वर्क सर्टिफाइड, विच इज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ड्राइवर्स रिलेटेड टू बिजनेस फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये प्रीवियस ईयर में सिर्फ एक बार आया था, लेकिन एक गो थ्रू करके रखे इसको, ताकि आपको एग्जैक्टली कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं
और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कॉस्ट पूल्स। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इतने आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, ये शॉर्ट नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के बेसिस पे निकाले हैं, तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ें रिपीट होती है तो आपको उसका बेनिफिट हो पाएगा, और इसमें से अगर एक दो चीज़ रिपीट होती है तो बाकी की चीज़ें जो आपने पढ़ी है उसको आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हेल्प होने वाला है, तो कहीं पर भी ये वेस्ट नहीं होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने ये सारी चीज़ें प्रॉपरली पढ़ ली तो दैट विल 100% हेल्प यू फॉर सॉल्विंग दी ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरीके से प्रिपेयर करें। लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में, सारे प्लेलिस्ट में कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन के सारे वीडियोस मिलेंगे। और लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, तो वो ऐप डाउनलोड करना ना भूले। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस साइड, बाय बाय, टेक केयर।